नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। पब्लिक डिपॉजिट बहुत सारी कंपनी कॉल करती है, पब्लिक से पैसा ले लेती है, लेकिन कई बार समय पर नहीं चुका पाती। आज का वीडियो है उन ग्राहकों के लिए जो पैसे वहां पर जमा करते हैं इस उम्मीद से कि ये पैसे डबल होकर या बहुत ज्यादा होकर मेरे पास वापस आएंगे, या फिर मैच्योरिटी में कम से कम मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, या फिर मेरे बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा, या फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों को इसलिए आज हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको आपका राइट पता है तब जाकर आप फाइट कर सकते हो। तो राइट और फाइट कनेक्टेड है, राइट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन 2013 से पहले, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले, अगर किसी ने डिपॉजिट लिया था और 13 के बाद वो चुका नहीं पा रहा है, तो भी 2013 के बाद 3 साल के अंदर उनको किसी भी हालत में लौटाना ही था। फिर भी 2013 के बाद में 3 साल के अंदर में उनको लौटाना ही था, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं लौटाए तो एनसीएलटी, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, उनके पास ये राइट था कि उस समय को एक्सटेंड कर दे। लेकिन वो समय बहुत पीछे हो गया, इसका मतलब ये कि आज के दिन में अगर आपका पैसा कोई कंपनी नहीं दे रहा है तो उनको क्या हो सकता है, ये आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए। उनको सबसे पहले कंपनी सेक्शन 73 और सेक्शन 76 का पालन अगर नहीं करेगी तो उस केस में कंपनी को क्या होगा, कंपनी को 10 करोड़ तक की फाइन लग सकती है। 10 करोड़ तक की फाइन लग सकती है, किसके अलावा, जो डिपॉजिट का अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा और 10 करोड़ की फाइन भी लग सकती है। लेकिन ये मिनिमम 1 करोड़ है, 10 करोड़ तक मैक्सिमम फाइन लगेगी और मिनिमम 1 करोड़ है। तो इसका मतलब डिपॉजिट और उसका ब्याज भी मिलेगा, और इस तरफ पे जो फाइन है वो 10 करोड़ तक जा सकता है, 1 करोड़ मिनिमम है, ये चीज ध्यान हो गया, राइट। लेकिन इतना ही नहीं, आपको ये लग रहा है कि डायरेक्टर्स भी गड़बड़ किए हैं, डायरेक्टर्स भी डिफॉल्ट में आ गए हैं, तो डायरेक्टर्स लोगों को भी ये सेम सजा उनको मिल सकती है क्या? एक तो 10 करोड़ तक का उनको भी फाइन पर्सनल लेवल पे भी पे करना पड़ सकता है, उसमें भी 1 करोड़ या फिर जितना भी डिपॉजिट कंपनी लिए थे उसका दुगना, ये है फाइन, राइट। डिपॉजिट और उसका ब्याज अलग मिल गया, और इधर फाइन कितना है, मिनिमम 1 करोड़ है, या फिर डिपॉजिट का दुगना, दोनों में से जो कम हो वो अमाउंट, या फिर वो खींच के 10 करोड़ तक भी जा सकता है। ये कंपनी के लिए भी हो गया और ये इंडिविजुअल के लिए भी होगा। लेकिन इतना ही नहीं, जितने डायरेक्टर है उनको जेल भी जाना पड़ेगा। कितने साल जेल जाएंगे वो? 7 साल तक का जेल जा सकते हैं, लेकिन ये जज के ऊपर है कि कितने साल तक की उनकी सजा देते हैं। 7 साल तक जेल भी जा सकते हैं, और उसके साथ में ये फाइन और पेनल्टी भी उनको पटाना ही पड़ेगा, और डिपॉजिट का पैसा भी वापस करना पड़ेगा। धोखाधड़ी की ये सजा है। अगर आपको ये पता है कि इतना संगीन जुर्म है तो आप सहते क्यों हो, ये बता दो। तो अगर कंपनी ने आपको समय दिया है तो मौखिक काम मत करो, प्लीज। सबसे पहला चीज है कि आप मौखिक काम मत करो, हर चीज डॉक्यूमेंटेड करो। वहां पर नोटिस भी भेजना है तो अपने नाम से, अगर बिना वकील के नोटिस भेजना है तो भी अपने नाम से पहले भेज दो। अगर उसका जवाब आपके पास में नहीं आ रहा है तब वकील का नोटिस भेजो, पिछले वाले का रसीद लगा के। फिर वकील का अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद में फिर उसके बाद आप थाने में भी जा सकते हो, और थाने में लगाने के बाद उसकी रसीद भी ले लो, फिर उसके बाद कोर्ट में लगा दो, और ये सब मिलाकर हाई कोर्ट में लगा सकते हो अगर आपका काम नहीं बनता। लेकिन इसी के साथ जैसे ही आप थाना और कोर्ट कर लोगे ना, तो 1.5-2 महीने के अंदर में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का ट्रायल बन जाएगा। ये सारे को आप जोड़ लो, और जोड़ने के बाद क्या करो मैं बता रहा हूं। तो आप दो जगह पे अप्रोच करो। सबसे पहला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एकदम रजिस्टर्ड लेटर भेजो वकील के डॉक्यूमेंट के साथ में, और आपके पास जो जो प्रूफ है वो सारा लगा के उनके पास भेजो स्टेटमेंट के साथ में, और उनका जो भी बॉन्ड या जो चीज आपको दिया था और उसमें समय हो चुका है, आपके कम्युनिकेशन के प्रूफ, हर प्रूफ को साथ में लगा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भेजो। और उसी का एक कॉपी आपको कहां पर भेजना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी भेज दीजिए, और ऊपर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी एक लेटर के हिसाब से जरूर भेज दीजिएगा। वहां पर आपका एंटरटेनमेंट नहीं होगा, मैं आउट ऑफ द वे बोल रहा हूं। आरओसी काम करेगा अपना, लेकिन उसके बाद भी आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के ऑफिस में भी भेजो और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी भेजो, क्योंकि ये बहुत गलत काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको कलेक्टर को भी भेजना चाहिए, राइट। और कलेक्टर के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपके स्टेट में, वहां पर भी भेज दीजिए। उनके लिए काम करना असंभव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप पहले सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, किस बेसिस पे करना है। किसी रिलेटिव के बेस पे पैसा मत लगाइए, और पैसा लगा चुके हो तो वसूलने में छोड़ना नहीं। मेहनत का पैसा है, आपका हो चाहे आपके बच्चे का हो चाहे किसी का भी हो, पूरा मेहनत करना, पूरा कोशिश करना। और मैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे कंपनी वाले भी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, आप पता कर लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, कंसल्टेंसी ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उससे बात करिए, लेकिन गलत काम से बचिए और लॉन्ग टर्म काम करिए। और कंपनी अगर अच्छे से चलेगी तो आप बैंक बनाकर आगे बहुत आगे बढ़ सकते हो। और ये तो हमेशा ही लागू है कि आपको गलत काम करना नहीं है।
राइट। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।